तो दोस्तों, अगर आप YouTube पे ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास ये चार चीज़ें होनी चाहिए जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपके पास ये चार चीज़ें नहीं हैं तो आप कभी भी YouTube पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आप जो भी बड़े बड़े क्रिएटर को देखते हैं, चाहे वो मनोज भाई हों, चाहे वो टेक्निकल योगी सर हों, चाहे वो जुन्नू की टेक हो, या किसी भी कैटेगरी के जो भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, क्या स्टार्टिंग से उनके पास इतना नॉलेज था? क्या स्टार्टिंग से उनके पास इतने फॉलोअर थे? तो इसका आंसर है नो। सभी ने जीरो से स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में किसी को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट इन सभी के पास ये चार चीज़ें थी जिसके कारण आज ये यूट्यूब से लाखों करोड़ों रुपया अर्न कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% प्रैक्टिकल और रियल बात बताने वाला हूँ। सच्चाई से आप कभी भी नहीं भाग सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत कुछ सिखाने वाली है, उसके साथ साथ मोटिवेट भी करेगी आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा यूजफुल कंटेंट हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, YouTube पे ग्रो करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है डिजायर टू लर्न, मतलब कि आपके पास सीखने की इच्छा होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता है कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, वीडियो कैसे एडिट करते हैं, बट सभी क्या करते हैं, सीखते हैं। तो अगर आप भी YouTube पे आना चाहते हैं तो आप ये सोच के आइए, आपको भी सीखना पड़ेगा। भले ही आपको कोई चीज़ नहीं आता है, मान लीजिए कि आप कुकिंग का चैनल बनाने वाले हैं, या आप ब्यूटी टिप्स का चैनल बनाने वाले हैं, या किसी भी तरह का चैनल बनाने वाले हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बट अगर आपके पास डिजायर टू लर्न है, सीखने की इच्छा है, तो आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। और केवल सीख नहीं सकते हैं, उस चीज़ में आप महारत हासिल कर सकते हैं, मतलब कि इतना नॉलेज ले सकते हैं जितना कि शायद ही किसी के पास हो। तो आप अपने एबिलिटी को पहचानिए, अपने अंदर छुपा हुआ जो आग है उसको जागृत करने की कोशिश कीजिए। एक टाइम था जब मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज करने नहीं आता था। ज़्यादा दिन पहले का बात नहीं कर रहा, आज से 2 साल पहले का बात कर रहा हूँ। आज से 2 साल पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने तक नहीं आता था, और आज मैं आप सभी को जो कुछ भी सिखा पाता हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उसी में आप लोग को बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी डिजायर टू लर्न है, सीखने की इच्छा है, और मैं केवल टेक कैटेगरी से ही नॉलेज नहीं रखता, मुझे और भी बहुत सारे कैटेगरी में इंटरेस्ट है जिसमें मैं हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनके आप स्टार्टिंग का वीडियो देखिएगा, उनका फर्स्ट वीडियो आप जाके देखिएगा, अगर उनका जो फर्स्ट वीडियो था वैसा ही वीडियो आज भी बनाते, अगर वो लर्निंग पे फोकस नहीं किए रहते, तो क्या आज वो यूट्यूब से इतना पैसा अर्न कर पाते? कभी नहीं कर पाते। तो उन्होंने हमेशा सीखने पे फोकस किया, हमेशा अपने कंटेंट को इम्प्रूव किया। कंटेंट कैसे इम्प्रूव हो सकता है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे एडिट करते हैं, वीडियो को सही तरीके से कैसे अपलोड करते हैं, इस पे उन्होंने फोकस किया। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने कंटेंट पे फोकस किया। आपको जो कुछ भी अपने ऑडियंस को प्रोवाइड करना है वो 100% सही होना चाहिए, और आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे भी फोकस करना है, किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर आप ये सीख गए तो आप कभी भी लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं रह सकते हैं, आप जरूर सक्सेस होइएगा। तो सबसे पहला क्वालिटी जो आपको खुद में डेवलप करनी है वो है डिजायर टू लर्न, आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वालिटी की, और ये है कैपेसिटी टू वर्क हार्ड, आपके अंदर हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 5 से 10 दिन में उस चीज़ को सीख जाइएगा, या एक दिन आप बहुत ज़्यादा देर तक काम कर लिए तो उससे आप सीख सकते हैं। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रेगुलर आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं ये कम्युनिकेट आपसे अच्छा से कर रहा हूँ, ये एक दिन में नहीं हुआ है। एक टाइम था कि मैं किसी के सामने बोल नहीं पाता था, और आज मैं आप लोग के सामने इतना अच्छा से बोल पा रहा हूँ, तो ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसमें टाइम लगा है, इस पर मैंने काम किया है। अभी भी मैं
मैं हर रोज़ 15 से 18 घंटा काम करता हूँ। वीडियो बनाने में मुझे 12 से 13 घंटा 15 घंटा तक लग जाता है। उसके साथ साथ मैं हर रोज़ 12 से 15 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो 12 से 15 किलोमीटर मुझे हर रोज़ साइकिल चलाना पड़ता है। तो ये सब क्या है? वर्क हार्ड, कैपेसिटी है अंदर कुछ करने की। तो ये आपको भी अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने स्किल को डेवलप करने के। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी फील्ड हो, अगर आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी आप एक नए स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो बिना हार्ड वर्क किए आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तीसरा क्वालिटी है पेशेंस। देखिए दोस्तों, चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी सीख लीजिए, बट अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो भी आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, पेशेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम YouTube पे ही काम करते हैं तो 5 वीडियो डाले, 10 वीडियो डाले, 20 डाले, 50 डाले, बट 50 वीडियो डालने के बाद भी हमारे चैनल पे नहीं व्यूज आ रहे हैं, नहीं सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, नहीं वॉच टाइम मिल रहा है। उसके बाद हमने क्या किया? अपने पेशेंस को लूज कर दिया और वहाँ से अपनी जर्नी को स्टॉप कर दिया। अब देखिए, जैसे ही वहाँ से आप अपना वीडियो डालना बंद करेंगे तो क्या आपका चैनल ग्रो होगा? क्या आप कभी सक्सेसफुल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जब तक आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं रखिएगा, स्टार्ट नहीं रखिएगा, तब तक आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो आपको अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने में, यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो अपलोड करने में आपका पेशेंस आपका साथ देता है। अगर आपके पास पेशेंस है तो चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो लाइफ का कोई भी फील्ड हो, सभी जगह आप फोड़ सकते हैं, सभी जगह आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको डेवलप करने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेरा जो चैनल है इस पर हमेशा अच्छे व्यू आते हैं, कभी व्यूज डाउन भी हो जाता है, कभी वॉच टाइम भी डाउन हो जाता है, कभी कभी तो 5-10 सब्सक्राइबर भी नहीं मिलते हैं, बट फिर भी मैं अपने चैनल पर रेगुलर 2 या 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, बिकॉज मेरे अंदर पेशेंस है। और यही सभी बड़े क्रिएटर में होता है, जो भी बड़े क्रिएटर हैं उनके अंदर भी पेशेंस था पहले से, इसीलिए वो आज बड़े हैं। मनोज भाई का फर्स्ट वीडियो आप जाके देखिएगा, उसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। उनको स्टार्टिंग में अच्छा से बोलने तक नहीं आता था, बट उन्होंने रेगुलर वीडियो अपलोड किया, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दिया, अपने कंटेंट पे ध्यान दिया, हार्ड वर्क किया और आज वो यूट्यूब से लाखों करोड़ों रुपया अर्न कर रहे हैं। उनके जैसे जैसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, बट ये ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो इसलिए मैं आपको इनका बार बार एग्जाम्पल देता हूँ। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको भी अपने अंदर ये तीनों क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा और सबसे टॉप क्वालिटी है ये। अगर आपके पास ये तीनों क्वालिटी है लेकिन ये चौथा क्वालिटी नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, और ये है कंसिस्टेंसी। चौथा क्वालिटी जो है वो है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। आपके पास कोई भी क्वालिटी हो बट अगर आप कंसिस्टेंस नहीं है, अगर आप रेगुलर नहीं है तो भी आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप कोई भी काम 1 दिन किए, 10 दिन किए, 20 दिन किए, बट उसके बाद आप छोड़ दिए, वीडियो अपलोड करना ही आप स्टार्ट किए या कोई भी नया चीज़ सीखना स्टार्ट किए, तो क्या आप 5-10 दिन में सीख सकते हैं? कभी भी नहीं सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये होता है। किसी भी चीज़ को आप 5-10 दिन में नहीं सीख सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उस चीज़ पे टाइम देना पड़ेगा, और यही होता है YouTube में भी। अगर आप YouTube पे ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इसमें भी टाइम देना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको पहले भी बोला कि आप 400 से 500 वीडियो का टारगेट रखिए। 400 या 500 वीडियो डालने के पहले आप कोई उम्मीद ही नहीं कीजिए कि हमारा चैनल ग्रो होगा या न होगा। आपको सब्सक्राइबर या वॉच टाइम किसी पे ध्यान नहीं देना है, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है, अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। अगर आप अपने कंटेंट को रेगुलर इम्प्रूव करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, सीखने की इच्छा को हमेशा अपने अंदर जीवित रखते हैं, तो आप भी एक ना एक दिन जरूर सक्सेस होइएगा और आप भी YouTube से लाखों करोड़ों रुपया आराम से अर्न कर पाइएगा। तो आपको पेशेंस रख के काम करना है, और जो भी क्वालिटी मैंने आपको बताया
इन सभी को स्टार्टिंग से अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी है। बिकॉज देखिए दोस्तों, बहुत सारे YouTube पे तो आते हैं बट उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि कैसे काम करना है। तो आपको इन चारों चीज़ पे फोकस करना है। अगर आप इन चारों चीज़ पे फोकस कर दिए तो आपको YouTube पे ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप किसी भी तरह के ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़िए, बिकॉज सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आज आप इस बात को मान लीजिए, अगर आपको सक्सेस होना है यूट्यूब पे या लाइफ के किसी भी फील्ड में, तो आपको टाइम देना पड़ेगा और ये चारों चीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।